जिसे कहते हैं ना कि जिस माँ ने जन्म दिया उसके लिए तो वही देवी है, इसलिए जिस संस्थान पढ़ते हैं उनके लिए वही है। बट वो बात अलग है कि सारी संस्थाएं उस लायक काम किया नहीं किया, संस्थान तेरे लिए क्या किया। आप जिस संस्थान पढ़ते हो वहां से कितने सिलेक्शन हुए तेरे काम नहीं आएंगे। तू सिलेक्ट हो गया तो तेरे लिए बढ़िया है, तू सिलेक्ट नहीं हुआ पर संस्था ने काम किया तो बढ़िया है, तू सिलेक्ट हो गया पर संस्था ने काम नहीं किया तो संस्था बढ़िया नहीं थी, आप बढ़िया है। मैं तो साफ कहता हूं सीएलसी में जो जुड़े हुए गार्जियंस है, जुड़े हुए बच्चे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1 मई से लेकर 17 जुलाई तक जो 4 महीने में 2.5 महीने में सॉरी 6 दिन में हमने काम किया, वो काम यदि अन्य किसी भी कोचिंग ने अपने बच्चों के साथ किया हो तो दोस्तों फिर वो संस्थान से बढ़िया है। अदरवाइज मेरे रिपीटर से और देश के कोई भी स्टूडेंट कहीं भी दूर दराज यूपी बिहार का बच्चा जो कोटा की ओर जाता है उनसे कहता हूं उस भीड़ को छोड़कर सीकर आए, जो आपका आर्थिक सस्ता मिलेगा, आर्थिक कमजोर भार ज्यादा नहीं पड़ेगा और यहाँ एक मेंटर एक गार्जियन आपके सामने खड़ा आपका श्रवण आपको मिलेगा। दोस्तों मान के चलो उससे अच्छा मेंटर से दुनिया में कहीं नहीं है। 14 अगस्त से हम 2023 की टेस्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, नया बैच रिपीटर्स का बैच फ्रेशर्स का बैच सेपरेट 25 जुलाई से और 1 अगस्त को, उसके बाद हर मंडे को सेपरेट बैच रिपीटर का अलग फ्रेशर्स का अलग और हर तरह की हेल्प जो संस्था से आज तक करती आई है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। अब दोस्तों थोड़ा सा अपन रैंक पे बात कर लेते हैं, आए प्लीज रैंक पे बात करें किस मार्क्स पे है। लास्ट ईयर 2021 में 595 नंबर पे दोस्तों कॉलेज मिला है, 595 नंबर पे डियर कॉलेज मिला लास्ट ईयर, इस चीज पे डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं अपन लोग। 595 जनरल पे कॉलेज मिल गया, EWS 595, OBC 595, SC 473, ST 452, आप इनको एक साथ देख सकते हैं, ये वो मार्क्स हैं जिस पे लास्ट ईयर हिंदुस्तान नीचे कहीं मिला हो गवर्नमेंट सीट का कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट सीट का कॉलेज मिला 595 595। अब इसमें एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, SC 473, ST 452। राजस्थान की जो टॉप कॉलेजेज है वो कहां बंद हुई तो मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की जो कॉमन बंद हुआ 598 पे गवर्नमेंट कॉलेज पाली एक बच्चे को मिला है, SC के 501 नंबर के बच्चे को डूंगरपुर मिला है, ST के 452 नंबर के बच्चे को पाली गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ये राजस्थान की वो कॉलेजेज हैं। उसके बाद टॉप कॉलेज कहां बंद हुई उसका लिस्ट है, SMS बंद 665 पे हुआ था, बीकानेर 650 पे बंद है, SMS 665 पे है, बीकानेर 650 पे है, जोधपुर 635 पे है, अजमेर 625 पे है। इसी प्रकार से SC में ये SMS जो है वो 593 पे है, बीकानेर 561 पे है, जोधपुर 550 पे है, अजमेर 540 पे, ST की बात करें तो डेटा आपके सामने है, इनको आप देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान की कॉलेज कहां बंद हुई, राजस्थान की टॉप कॉलेज कहां बंद हुई और राजस्थान की लास्ट कॉलेज कहां बंद हुई, ये आपके सामने है। एक बार स्लाइड्स को नंबर दोबारा दिखा दे, सबसे पहले आगे चले, ये दोस्तों लास्ट ईयर का टॉप है, ये लास्ट हिंदुस्तान की कॉलेज जो मिली हुआ है, ये आपका राजस्थान की टॉप कॉलेजेज है। इसके अलावा पीछे इसके अलावा एक बात करना चाहता हूं, एक मोपअप राउंड होता है, जैसे अजय शर्मा का रिजल्ट निकाला लास्ट का एक्सेल फाइल पड़ी है उनके पास, अजय शर्मा का जिसने बिलवाड़ हिट का एग्जाम दिया है जिसका स्कोर 670 आ रहा है, अजमेर शर्मा हमारा बहुत प्यारा बच्चा है जिसके परिवार में 4 डॉक्टर पहले से हैं, विकास शर्मा है, पूजा शर्मा है, उसके सारे बहन भाई सेलेक्ट है, अजय शर्मा का लास्ट ईयर का आप स्कोर निकाले 2021 बेटा 22 नहीं 2021 का एक्सेल फाइल खोले हमने जो आपके पास रहती है, अजय शर्मा का नाम सर्च कर ले आप इसमें, अजय शर्मा का नाम सर्च कर ले आप इसमें, अजय शर्मा का नाम सर्च कर ले आप इसमें, अजय शर्मा, अजय शर्मा ये रहा जिसका स्कोर है 615 नंबर, क्यों भाई ये स्कोर था इसका, अजय ये नहीं है, हाँ उसका फल लक्ष्मीनारायण है, दूसरा ढूंढो, अजय कुमार लक्ष्मीनारायण नाम है, स्कोर ध्यान से रखो, अजय ये बता रहा है का दोस्त है, बंद कर दे, उसका स्कोर 605 था, उसका अजय का स्कोर लास्ट ईयर 605 था, उसको मोपअप राउंड अजमेर मिल गया था। तो कई बार काउंसलिंग में भी होता है, लास्ट एम्स है वो ज्यादा कम ज्यादा नंबर के बच्चे वो बाहर चले गए थे, फिर एम्स का मोपअप राउंड हुआ था
तो मोपम राउंड एक जुआ है अपने आप में भाई, तो मोपम राउंड की कटोप कटोप नहीं मानते, जुआ है वो तो ठीक है, न्यू थ्रीट है। अजय शर्मा ने विवेक के अच्छे दोस्त होने के नाते आपने भी अजमेर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वापस तैयारी की है भी, और आप 670 के साथ SMS के ऊपर आप जाएंगे, दिल्ली फाइनल है, मोदन आजाद आपको मिलने के, नहीं तो 70 आपका 100% फाइनल है। तो ये अजय शर्मा के साथ थी, मैं मेरी बात को समराइज करूं, कटोप की बात कर लेता हूं। तो आईडीएफ एक बार कटोप दिखाएं लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर के मार्क्स आपके सामने हैं। अब आ जाते हैं कटोप का टेबल खोल ले, ले वाहेगुरु का नाम, उसको भरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जनरल ओबीसी की मान के चल रहा, बायो का पेपर लेंदी था, केमिस्ट्री का पेपर कैलकुलेटिव था, लेंदी था, कुछ आसान था तो केवल फिजिक्स था। तो टॉपर बच्चे फर्क नहीं पड़ने वाला है, साथ ओबीसी आ सकते हैं, किसी में नहीं कह रहा, टॉपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। या भी पेपर हार्ड आता तो भी वे के अनुरूप आते थे, लेकिन थोड़ा हार्ड पेपर आते नीचे रैंक डिस्टर्ब होती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो 580 प्लस माइनस 5 रहेगी, जनरल हो या ओबीसी हो। 585 को बच्चा ले रहा है ना, तो लास्ट में कहीं ना कहीं मोपअप राउंड टाइप कर उसको मिल जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। पर उन बच्चों निवेदन है, बहुत किनारे पर बच्चे खड़े ना भाई, वो काउंसलिंग का वेट नहीं करें, तो वापस लास्ट कट ऑफ पे आए एक बार, आप लास्ट कट ऑफ पे आए वापस एक बार। एससी का कट ऑफ 473 नंबर लास्ट ईयर रहा दोस्तों, वापस टेबल पे तो 473 नंबर है। तो मैं इस बार मानता हूं कि 450 नंबर का बच्चा बिल्कुल ये मान के चलो कि एससी का बच्चा कॉलेज कहीं ना कहीं लास्ट में अपना अचीव कर लेगा। फिर से एक बार पिछले टेबल पे आए, एसटी की बात करें 452 है, आप दोस्तों फिर टेबल पे आ जाए तो आप देख के चले, ये आपका 580 है, ये आपका 580 है, यह हमने क्या लिखा 450 लिखा, और ये आपका कट लगभग 435 नंबर है। सीएलसी के अनुभव से हम इस कटों को डिक्लेयर करने जा रहे हैं, यहां इस मार्क्स का इसमें पेमेंट शीट भी हो सकती है। कौन सी पेमेंट? गवर्नमेंट सीट की पेमेंट शीट। बट एमबीबीएस की सीट दोस्तों थी 4.25 लाख मिल जाती है तो भी सौदा घाटे का नहीं है डीएम। तो ये कुछ लाइव की बातें थी, अब मैं एक बात को समराइज करते हुए बात पूरी करता हूं। जो भी स्टूडेंट इस साल सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो एक बात ध्यान दें, आप जुलाई में खड़े हो, रिजल्ट का वेट करोगे वो अगस्त लास्ट में आएगा, कौन से वेट को अक्टूबर पकड़ जाएगी, आपकी एग्जाम दोस्तों मई को ही है, 7 मई को नीट का एग्जाम है, आज से 290 दिन है केवल। जिसका भी स्कोर, अब मैं जो गहरी बात कह रहा हूं, जनरल ओबीसी जिसका स्कोर 590 से कम है, एससी 500 से कम है, एसटी 450 से कम है, उनको तुरंत प्रभाव से कोचिंग ज्वाइन करके क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप सीएलसी आ जाए, आपके टोकन मनी की फीस जमा हो जाएगी, आपका सेक्शन होता है, पूरी की पूरी फीस फॉर्म से आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन प्लीज 3 महीने काउंसलिंग का वेट करके फिर सोचो कॉलेज नहीं मिला तो अगला एग्जाम 7 मई को ही है, बहुत पिछड़ जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे। अब इस लाइव को देखने सुनने वालों का बहुत बहुत आभार।